पोल्यूशन के रिजल्ट में जो भी पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरमेंट में ऐड हो रहे हैं दे आर डिस्ट्रप्टिंग आवर वाटर साइकिल एंड दे आर डैमेजिंग आवर पोस्टल इकोसिस्टम सो वी विल स्टडी हाउ दीज डिफरेंट स्टेजेस इन द वाटर साइकिल आर एंड इट इज डायरेक्टली इम्पेक्टिंग नेगेटिवली आवर एनवायरमेंट साइकिल में वी हैव स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल जिसमें वेपोरेशन है ट्रांसपोर्टेशन कन्डेंसेशन प्रेसिपिटेशन सर्फेस रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन अगर इन स्टेजेस में किसी एक भी स्टेज में पल्यूटेंट्स एड होते हैं या फिर पर्टिकुलरली वेपोरेशन ट्रांसपेरेशन या कंटेस्टेशन का रेट अफेक्ट होता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी और बाई एडिशन ऑफ पल्यूटेंट्स तो इट वुड बी इट वुड डिस्टर्ब आवर वाटर वॉटरसाइकिल डिफोरेस्टेशन एक ऐसा फिनोमन है विच वी हैव डिस्कस इन डिटेल बिफोर बिकॉज ऑफ कटिंग ऑल दीज ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पजेज ऑफ ह्यूमन यूज प्लांट्स uh, या ट्रीज का एक बहुत सिग्निफिकेंट uh, ड्रॉप जो है वो ईयरली uh, बेसिस के ऊपर ग्लोबली ऑब्जर्व किया जा रहा है सो दीज प्लांट्स दे आर या फॉरेस्ट सबसे बड़ा सोर्स है जो कि वाटर वेपर्स uh, को मॉइस्चर के कॉन्टेंट को हमारे वाटर साइकिल में अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड द अदर बेनिफिट इज के इनकी रूट्स आर होल्डिंग अप सॉइल पार्टिकल्स और इरोजन uh, का रेट जो है उसको कंट्रोल रखते हैं लेकिन डिफॉरेस्टेशन uh, के फिनोमिन की वजह से इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन सो इसका मतलब ये है कि हम uh, हमारे प्लांट्स या हमारे फॉरेस्ट जो है वो कंपेरेटिवली एक लेसर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर को अब वाटर साइकिल में या हमारी गैसेस फॉर्म के अंदर रिलीज कर पा रहे हैं तो इट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द साइकिल सो द लोअर रेट ऑफ

और ट्रबिडिटी जो होती है उसके अंदर वो इंक्रीज करना शुरू हो जाती है सो दैट वुड अफेक्ट ऑल द एनिमल्स विच आर लिविंग इन दैट इकोसिस्टम डीफॉरेस्टेशन के साथ साथ पोल्यूशन um, जैसे अभी हमने एसिड रेन के अंदर जो है स्टडी किया द स्मोक एज वेल सो दिस प्रेसिपिटेशन इज ब्रिंगिंग ऑल द टॉक्सिक एसिड्स एंड द पोल्यूटेंट्स मिक्सिंग अप इन एयर एंड देन ब्रिंगिंग इट बैक इन Uh, the form of water to the surface of the earth. So ultimately these uh, toxic components they are released in, in the water bodies because of uh, with the help of the surface runoff ye streams, rivers, ocean seas in andar jo hai, wo chale jayenge, uh, because of uh, um, the surface runoff and then could reach the underground water where, through the process of infiltration. सो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू जो सीपेज हो रही है इन सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स की सो दे आर रीचिंग द अंडरग्राउंड वाटर एंड देन दे आर पोल्यूटिंग एंड मेकिंग इट टॉक्सिक सो दीज टॉक्सिक केमिकल्स बिकॉज हमारा वाटर साइकिल जो है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ साइकिल इट इज रिसाइकलिंग ओल्ड कंपोनेट्स सो वन दीज टॉक्सिक एलिमेंट्स टॉक्सिक कंपाउंडस एंड एसिड दे आर प्रेजेंट इन द वॉटर बॉडीज एवेपोरेशन के थ्रू इनकी एक रिसाइकलिंग जो है वो कंटिन्यूड रहती है And we are not really able to get rid of them, even ke, in, ke agar metabolites or byproducts, hain, still they are present in the water bodies. So obviously, our coastal ecosystems are directly affecting by these activities uh, of the human being, and the impacts of pollution or acid rains ki form mein appear. सो इन कोस्टल इको सिस्टम वी नो के हमारी अर्थ uh, पे मेजोरिटी जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है वो मोस्टली कोस्टल एरियाज में है बिकॉज वी हैव द हार्बर्स वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट है टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी हैव वाटर अवेलेबल सो ऑलमोस्ट थ्री बिलियन पीपल दे आर लिविंग इन द कोस्टल एरियाज इन द वर्ल्ड और अगर सिर्फ एक कंट्री की एग्जाम्पल दें तो चाइना में um, हर रोज एक थाउजेंड लोग जो हैं वो मूव कर जाते हैं इन दो प्रेजेंट इन द कोस्टल एरियाज सिमिलरली अर्थ वर्ल्ड के सेवेंटीन लार्जेस्ट सिटीज में से फोर्टीन सिटीज ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरियाज में है सो वी कैन इमेजिन के हाउ मच प्रेशर वी आर पुटिंग ऑन दैट कोस्टल इको सिस्टम फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ कोस्टल एरिया एंड दिस कोस्टल एरिया की साइड पे जो सिटी दैट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इसमें रेजिडेंशियल एरियाज हैं इट इज कंटेनिंग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज और कमर्शल एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंटिन्यूड दे आर प्रोड्यूसिंग देयर पोल्यूटेंट एंड द वेस्ट मटीरियल सिटीज एंड टाउन्स चाहे वो इस कोस्टल लाइन के ऊपर है या वो इस कोस्टल लाइन से थोड़ा सा हटकर भी हैं

दे वुड बी बिल्ड इन दैट कोस्टल इको सिस्टम जो हार्बर्स हैं दे आर ड्रेजिंग द मर्ड और ऐसा वेस्ट जो कि सी uh, की बॉटम के ऊपर है तो दे वुड कंटिन्यू ड्रेजिंग एट उसमें से वो स्कूपिंग करके उसको निकालते रहते हैं और उस स्कूपिंग का रिजल्ट यह निकलता है कि हमारी सी की जो बॉटम होगी दैट वुड बी डायरेक्टली अफेक्टेड जो कि वहां पर कंटिन्यूअसली डिगिंग हो रही है उसका इको सिस्टम हंड्रेड परसेंट डैमेज हो जाता है And then there is a building drains to remove the storm water and the waste water. Mostly Sarah wo in drains ke through this uh, water body can directly dump kar because there is no way to recycle it. Uh, similarly, we are building the dams and dikes on the coast in the coastal areas, or ye dams and dikes they are the barriers for the animals. So that is a habitat fragmentation. पोर्ट्स एंड हार्बर्स आर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग विदेज ऑफ टाइम उनमें एक एस्टेब्लिशमेंट जो है और एक्सपेंशन जो होगी वो कंटिन्यू रहती है और उसका रिजल्ट जो है वो ये निकलता है कि इट इज टेकिंग मोर एरिया फ्रॉम द सी सो वी आर एक्सपेंडिंग इट वी आर डैमेजिंग मोर सी और मोर एक्वाटिक कोस्टल हैबिटेड सो किसी भी सिटी की एक्सपेंशन के लिए वहां पर अर्बनाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वी हैव टू रिक्लेम द लैंड इन द वेटलैंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की एग्जाम्पल हैं तो कराची में देर इज अ मेजर थ्रेट टू द मैंग्रोव वेटलैंड सो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर बींग कट ह्यूमेंस आर कटिंग इट डाउन और वो एक्सपेंड करे हैं उस लैंड land को लैंड फिल के थ्रू जो है फर्दर एक एक्सपेंशन जो है वो सिटी इज बींग एक्सपेंडेड सो द कोस्टल डिफेंसिस डैम्स एंड डाइक्स दे आर डिस्टर्पटिंग द नेचुरल फंक्शन ऑफ वेव्स एंड टाइड्स So, that waves and tides we know they play an important role in the life and survival of phytoplanktons and zooplanktons and the, um, the reproducing animals. For example, so turtles or fishes, these uh, tides or waves ko as a clue use. Kartein. So, there would be a dredging of a harbor, koi scooping of material from the bottom of the sea, it would damage the habitat um, at the bottom of the sea. Uh, it would damage the reefs, it would damage the natural habitats for the aquatic animals, fishes, and the small invertebrates and the small vertebrates. So once it is damaged, there is no possibility that it Drains are, are dumping the waste materials. And um, the liquid waste, hai, wo solid waste, hai, wo plastic waste, hai, uh, everything is being dumped in the sea. Kisi, uh, Uh, किसी एक्सटेंट तक रिसाइकिल किया जाता है बट मोस्टली विदाउट रिसाइकलिंग एवरीथिंग इज बींग डम्प इन सीज और द कोस्टल एरियाज अनट्रीटेड सीवेज विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज वो ह्यूमन कम्युनिटीज हैं वो आपका डोमेस्टिक सीवेज है सो दैट वुड बी रिलीज इन द सी विद रीसाइक्लिंग और विदआउउट रीसाइक्लिंग एंड इट रिजल्ट इन सीरियस पोल्यूशन इन आवर वाटर बॉडीज एंड वन इम्पेक्ट ऑफ द डैमेज ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम ज ओवर इनरिचमेंट बिकॉज वी आर डम्पिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट वी आर डम्पिंग द म्यूनिस्िपल वेस्ट तो उसके रिजल्ट में यहां पर ऐसे न्यूट्रिय इंक्रीज कर जाते हैं जो कि एलगल ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल है सो इट रिजल्ट इन एन ओवर वेलमड ग्रोथ ऑफ एलगी रिजल्टिंग एन एलगल ब्लूम्स और एलगी दैट विल कंज्यूम द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट वाटर बॉडी रिजल्टेंटली वहां पर जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनके लिए डिजॉल्व uh, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाती है और इट माइट कॉज इवन द किलिंग ऑफ द होल लाइफ और द पार्शियली द लाइफ प्रेजेंट इन दैट रिकॉर्डिंग इको सिस्टम सो दैट्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्ट्रपटिंग द वाटर साइकल्स एंड इट इज डैमेजिंग द कोस्टल इको सिस्टम